दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ जगह पुराने फिल्टर लगे होते हैं तो जब उसको हम नए आरओ के साथ कनेक्ट करते हैं तो पाइप चेंजेस करें या सारी फिटिंग चेंज करें या उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करके पुरानी फिटिंग ही यूज़ कर दें। जैसे आप देख रहे हो सामने, ये हमारा आरओ है जो हम लगाते हैं, कई बार एक्सचेंज करते हैं तो उसमें हमारी जो गेट फिटिंग इस तरह की कुछ लगती है जिसमें 1/4 साइज़ का फिटिंग लगती है, पाइप लगती है। तो लेकिन जहाँ पुराना लगा होता है वहाँ मोटी पाइप लगी होती है और उसकी गेट फिटिंग भी कुछ अलग तरह की होती है। तो मोटी पाइप के साथ हम अपना आरओ सिस्टम कैसे कनेक्ट करें, आज इसी पे चर्चा होने वाली है। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, छोटी है लेकिन काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो देखिएगा एंड तक। अगर आप रिपेयरर हो या डीलर हो तो अपना नंबर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम आरओ सिस्टम को हैंग करते हैं, हैंग करने के बाद पानी के साथ सप्लाई देते हैं तो वहाँ हमारी नॉर्मली ये फिटिंग हम लगाते हैं। इसमें दो तरह की फिटिंग आती है, जैसे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई कि 1/4 इंच की और 3/8 इंच की। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले ही पुराना वाटर प्योरीफायर लगा होता है कस्टमर के घर में जिसको वो एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी फिटिंग्स लगी होती हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इस चीज़ की, तो फिटिंग अब ये लगी हुई है तो हम क्या चाहते हैं कि ये फिटिंग हम दोबारा लगाने की बजाय इसी फिटिंग के साथ हम आगे फर्दर कनेक्शन प्री फिल्टर का कर दें ताकि हमें भी आसानी हो जाए और उनको भी जो ऑलरेडी आदत पड़ी हुई है कि किस तरह चलाना है, किस तरह बंद करना है, तो उनके लिए भी ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल की पहले बात मैं कर लूँ तो ये हमारी पाइप होती है और हम एक तरफ इधर कनेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ इसकी इनपुट पे, यानी कि ये इनपुट है इसकी, तो इनपुट पे कनेक्शन कर देते हैं। अभी मैं कर आपको दिखा देता हूँ। कई बार पाइप जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है तो उसमें से जो हमारी फिटिंग है वो निकालनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसमें अगर आप स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा घुमाओगे तो ये इजी हो जाएगा इसको कनेक्ट करना निप्पल के साथ, गेट वाटर सप्लाई निप्पल के। अब हमारा ये काम हो गया, तो इस पे तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जस्ट आपको बताना था कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा नॉर्मल है जहाँ हम नया वाटर फिल्टर लगाते हैं कस्टमर के, जहाँ पहले ना लगा हो, लेकिन यहाँ पहले ऑलरेडी वाटर फिल्टर लगा हो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ किसी पुराने वाटर फिल्टर की, मान लो कि किसी ब्रांड का, जैसे ये है फिल्टर है, ऊपर ले आइए ज़रा इसको, जैसे ये फ़िल्टर है तो इसको कुछ इस तरह की फ़िटिंग लगी होती है, तो हम चाहते हैं कि दोबारा इसको ऐसी फ़िटिंग ही लगी रहने दें यहाँ से और ये हम ना लगाएं, उसकी जगह ये हमारा पाइप का कनेक्शन इसके साथ अटैच कर दें। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, ब्रांड का आरओ है उसकी पाइप को अपने पाइप के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें एल्बो चाहिए मेम्ब्रेन की और एक हमें क्लंप चाहिए ये, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी कर दिखाएंगे हमारे इंजीनियर, दिखाइए ज़रा कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो पुराने फिल्टर का पाइप था और ये हमारी एल्बो है। एल्बो अगर लूज़ लगे आपको तो आप तो जो हम प्री फिल्टर को एल्बो यूज़ करते हैं वही एल्बो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये इसलिए हमने 1/4 की, क्योंकि ये पूरी तरह से टाइट हो जाती है, लूज़ नहीं रहती है, तो पानी की लीकेज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और ठीक है, अब इस पर हम जो है क्लंप टाइट कर देते हैं। एक बार टाइट कर दिखा दें, तो दोस्तों अब हम जो पुरानी गेट फिटिंग ही यूज़ कर सकते हैं प्री फिल्टर के साथ, तो नहीं खोल दीजिए, अब आपको हम कनेक्ट कर दिखा देते हैं इसके साथ। जो पुराने वाली है उसी के साथ अब हम कनेक्ट कर देंगे प्री फिल्टर को।
तो देखिए कितना आसान हो गया जी। हमारी मेन सप्लाई पे जहाँ उनकी ही टेप लगी हुई थी, टूटी लगी हुई थी, पानी की सप्लाई की गेट फिटिंग लगी हुई थी, उसी के साथ हमने जो पाइप था उसके साथ हमने एक 1/4 इंच एल्बो के साथ पानी का कनेक्शन कर दिया। इससे क्या होगा कि टाइम भी बच जाएगा और उनकी जो पता नहीं कितनी पुरानी ये लगी होगी, उस खोलते वक्त कोई खराबी ना आ जाए उसकी पाइप में, तो वो रिस्क भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको रोटेट कर काम ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं।